स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी स्वाति। जिस तरह से अभी हमने आस्तव से भी बात की कि थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, एंग्जायटी है, किस तरह की फीलिंग इस वक्त आपके दिल में है? बहुत मिक्स्ड फीलिंग कह लीजिए। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है। वो जो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन दी स्टमक, वही हाल है। लाइक वहां जाके थोड़ी नर्वसनेस होती है, फिर गाते गाते एक्साइटमेंट आ जाता है। सो वही मिक्स फीलिंग्स हैं जी। और स्वाति, तीन जजेस हैं, कौन से जज से सबसे ज्यादा डर लगता है, किसके सामने घबराहट ज्यादा होती है? तीनों बहुत अच्छे हैं, घबराहट तीनों के सामने होती जी। है। बहुत ही जैसे होम का एटमॉस्फेयर है वैसा है बिल्कुल। तो घबराहट तो तीनों के सामने होती है क्योंकि तीनों जज कर रहे हैं, बट जी अजीज साहब से थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है। चलिए स्वाति, और अजीज साहब से आपको डर लगता है, पूर्णिमा भी आपकी जगह है। पूर्णिमा का कोई गाना आपको पसंद आता है, पूर्णिमा जी की आवाज में या फिर उन्हीं की कोई गाए हुए गीत को गाना चाहती हैं? तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं स्वाति। पूर्णिमा जी का गाना बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अभी इफ यू विश तो मैं अपनी मर्जी का कोई बिल्कुल 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 स्वाति। अच्छा, तो जैसे आज जन्माष्टमी है, आस्था ने भी बोला, तो सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को और आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। और क्योंकि एक ठुमरी में थोड़ा बहुत कन्हाई जी का व्यंग होता, सॉरी कन्हाई जी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, तो मैं तो एक ठुमरी गाना चाहूंगी। सैया छोड़ो मोरे बैया, सैया सैया है छोड़ो रे मोरे बैया, मानो भी कन्हाई होगी जग हसाई, बहुत खूब। स्वाति और आस्था भी आपको सुन रही हैं, आस्था भी हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति, इस कंपटीशन की बात करें तो आस्था से कितना डर लगता है, कितना नजदीक पाती हैं, कितना खतरा आस्था से महसूस होता है आपको? आस्था मेरी बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। शी इज लाइक मैं उसको अभी अपने सामने देख रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। पहले हाय टू आस्था। मैं ये कहना चाहूंगी मुझे तो मुझे एज सच डर नहीं लगता है। मुझे डर ये लगता है कि अगर मैं अच्छा नहीं गा पाई तो क्या होगा। तो कंपेटिटर्स बहुत है, आस्था भी कंपेटिटर है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत मीठी आवाज है। जी चलिए, आपने आस्था की तारीफ की है स्वाति, और इस मीठी आवाज का मुजाहरा हम भी चाहेंगे। आस्था कुछ कुछ गुनगुना दीजिए, तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शक आपको देख रहे हैं। कुछ ऐसा गाना जो बस मस्ती बांध दे। अच्छा ओके। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा जुबी डुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन,
नाचे क्यों पागल जो बिन मन, शखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भवरे गा रहे, दीवाने किरने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे, बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगो, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू, आई आई आई, जुबी डूबी पंपारा, जुबी डूबी परंपरा, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन, हे प्राइड ऑफ यूपी की दोनों पार्टिसिपेंट आस्था और स्वाति हमारे साथ बने हुए। आस्था और स्वाति दोनों ही आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि गायकी के साथ साथ आजकल एक्स फैक्टर बहुत मायने रखता है और माशाल्लाह आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, आवाज अच्छी है, उसके साथ एक्स फैक्टर, खूबसूरत दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना कितना जरूरी हो गया है आजकल कॉम्पिटिशन में। पहले जी जी आस्था आप बोलिए पहले। जी मुझे ऐसा लगता है कि बेशक आजकल चूंकि दुनिया पूरी कमर्शलाइज हो गई है तो एक तरीके से ये है कि हाँ लुक्स मैटर करते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है ऐसा कि टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप सिंगिंग के लिए जा रहे हो तो आपकी सिंगिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में स्टेज प्रेजेंस जो है वो तो अपने आप आ जाता है करते। जी जी बिल्कुल, टैलेंट बहुत मायने रखता है। और स्वाति भी हमारे साथ है, स्वाति आप क्यों क्या कुछ कहेंगे और चलते चलते क्या सुना रही हैं आप हमें? मैं पहले तो सोच रही हूँ, मैंने अभी ठुमरी गाई तो उससे थोड़ा हटके एक गाना, एक पेपी नंबर सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल। अखिया न मार मेरे यार मुंडिया, तेन नहीं कर नवे प्यार मुंडिया, अखिया न मार मेरे यार मुंडिया, तेन नहीं कर नवे प्यार मुंडिया, मेरे दिल से ओ दीवाने नहीं खेलना, जावे 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 मेरे ठोलना नहीं बोलना, जावे 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 मेरे ठोलना। जी तो स्वाति हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश के पूरे देश के ढोलना आपके मुरीद हो जाएं, आपके प्रशंसक हो जाएं और तमाम सफलताएं आप दोनों को मिल जाएं आपके भविष्य के लिए। सारा सन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। थैंक यू सो मच।